गुड मॉर्निंग भाई लोग, हम लोग हो गया है तैयार आज के राइड के लिए। सुबह सुबह निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 2:20। अभी हम यहाँ पे दो लोग हैं, सैम भाई हमें ज्वाइन करने वाले हैं, प्रशस्त आ चुका है। हाय गाइस, सामान हमारा तैयार है, बिल्कुल काफ़ी सारा सामान है। अब इनको सबको बाइक पे लोड करेंगे और फिर हम निकलते हैं यहाँ पे और आगे आपको अपडेट देते हैं। और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे कुछ पता नहीं, हम निकल रहे हैं, बताएंगे बस आपको। निकल रहे हैं, बस बस निकल रहे हैं, ठीक है। 2000 years later। अभी हम लोग गुलशन ढाबा, टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है भाई, 6:50। हाँ, और ये रहे मिश्रा जी, और ये हमारे लेट लतीफ मिस्टर सैम, जो आने वाले थे एक बजे और पहुँचे 3:30। जो रात में हम निकल रहे थे वो हम अब पहुँच रहे हैं 7 बजने वाले ऑलमोस्ट। हम अभी मूर्थल में ही है भाई, अब देखो कब तक पहुँचते हैं, शाम होगी या रात होगी, पर पहुँच जाएंगे, ये ज़रूरी है ना भाई, पहुँच जाएंगे, है ना। बिल्कुल, जय हनुमान। सामने बजरंगबली की मूर्ति है, बहुत ही प्यारी, बजरंगबली का नाम लेके अच्छे से खुशी खुशी हम आराम से पहुंच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पे। तो चलो निकलते हैं फिर, सैम निकले, एक बार सैम का बाइक देखो, सब लोग टैंक बना हुआ है, सामान देखो सामान, ओ भाई साहब, ओहो गजब, इंसान से ज़्यादा तो सामान जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है, सैम मैं निकलूं, शुरू हो गई हमारी हर हाइनेस, अच्छे से पहुंचा देना। जय बजरंगबली, जय जगन्नाथ, जय माता दी, लेट्स रॉक। आ जाओ भाई, लगा रहा है गोप्रो गोप्रो, कौन से पेट्रोल पंप, यही पे होगा कोई, जो भी पेट्रोल पंप आएगा रुक जाएगा। अरे ठीक है भाई, आ जा, यहाँ पास में पेट्रोल पंप है भाई, आगे अच्छा, ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद। निकल पड़े हम GT करनाल रोड, ये है भाई मूर्थल, और मूर्थल है फेमस किसके लिए, ढाबा, बहुत सारे ढाबे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट दिल्ली एनसीआर के सारे लोग इधर ही मिलेंगे आपको वीकेंड पे। पानीपत 37 किलोमीटर, समाल का 24, गन्नौर 13। अभी तक हमने बताया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं भाई, जहाँ भी जा रहे हैं ना वो है बहुत दूर, बहुत दूर जा रहे हैं, नहीं नहीं लद्दाख नहीं जा रहे हैं और ना ही स्पीति जा रहे हैं, पर है थोड़ा सा अराउंड 500-600 किलोमीटर का राइड है। अभी तक हमने 125 किलोमीटर कराया बस, हम निकले थे 3:30 बजे और अभी हम नाश्ता वास्ता करके बिल्कुल फ्रेश, और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। सैम बाबू को पेट्रोल भरवाना है तो हमें भी उतरना पड़ेगा नीचे, अभी तो मेरा पेट्रोल तो है यार, अभी नहीं भराऊंगा मैं। ये ले भाई ठेका आ गया, कुछ हो ना हो हरियाणा में भाई ठेके की कोई कमी नहीं,
ये बहुत बढ़िया चीज है। अभी शाम बाबू आएंगे, पेट्रोल भराएंगे। ये कोई फैक्ट्री सा लग रहा है भाई, है ना? कोई फैक्ट्री सा लग रहा है इधर, है ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल के लिए हम लोग रुके हैं, शाम पेट्रोल भरवाएगा, फिर थोड़ी देर में आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइस पहुँच गए हम अंबाला। ये अंबाला का आइकॉनिक, हाँ चंडीगढ़ रह गया है इधर, शिमला पटियाला लुधियाना, और ये अंबाला का आइकॉनिक, ये क्या कहते हैं इसको, धनुष। बहुत ही सुंदर है ये, लोग यहाँ पे रह के फोटो सेशन भी करवाते हैं अपना। और मुझे लगता है कि हमारा श्याम भाई भी रुकने वाला है और हम भी शायद रुक ही जाएंगे, और क्या है। इधर भाई मैप तो तूने लगाया, मुझे नहीं पता। अभी हम थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कि इधर से चंडीगढ़ शिमला की तरफ से जाए या पटियाला लुधियाना, आई थिंक इधर से होगा भाई। हाँ यस, हाँ तेरा क्या दिखा रहा है, इधर दिखा रहा ना भाई, मैप में ढंग से नहीं दिखा रहा, इधर ही होएगा। चल चंडीगढ़ होते जाएंगे। हाँ हाँ बैठ जा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो भाई लोग हम लोग हाँ अंबाला क्रॉस कर दिए हैं और हम लोग अभी चल पड़े हैं चंडीगढ़ शिमला रोड पे। चंडीगढ़ शिमला रोड पे आगे जाते हुए गर्मी तो भाई बरकरार है, गर्मी हो रही है। टाइम हो रहा अभी 9:50 और मेरे बाइक की पेट्रोल भी खत्म होते हुए अभी 2 ही बार है, मतलब ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर चला जाएगा। रुकूं क्या यहाँ पे? हाँ रुकते हैं, प्रशस्त भाई को थोड़ा सा ब्रेक लेना है। अभी यहाँ पहुंचे हैं, सैम बाबू भी आ गए। सैम इस लाइन पे लगा दे, आगे कर देनी तो घुमाने में दिक्कत। हाँ तो ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे थोड़ा सा चिल करेंगे क्योंकि काफी देर से बाइक चला रहे यार, प्रोसेस की तो हालत खराब हो गई है, पिचक गया सब कुछ। सैम को उतरते हुए डिफिकल्टी हो रही है, सैम की बाइक हो गई है हाथी। हाथी मेरा साथी। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जबरदस्त। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यार, और ज़्यादा सामान ले आए हम, ज़्यादा सामान ले आए कोई बात नहीं, पर ग्रीनरी अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मौसम है। रेलवे ट्रैक है साइड में, तो थोड़ी देर रुक के यहाँ पे रेस्ट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम पहुंच गए अभी मोहाली में, थोड़ा ट्रैफिक मिला, थोड़ा रास्ता खराब था, और मिश्रा जी की परेशानी अभी भी चल रही है, एक बैक रेस्ट लगाना है बाइक पे जो कि ज़रूरी हो रखा है उनके लिए, क्योंकि दर्द हो रहा है उनको, ठीक है। अच्छी जगह है यार मोहाली, काफ़ी बड़ी सिटी है, बड़े बड़े बिल्डिंग है। और वक्त क्या हो गया मेरे भाई, वक्त हो गया जी 11:03। हो गए, हाँ तो लगता है पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी यार, जहाँ तक जाना है हमें। पर भाई मजबूरी है,
बड़े मुश्किल से ट्रिप बना ये, कैंसिल होते होते रहा। जगह बड़ी अच्छी है, अभी थोड़ा रुके हैं हम। सैम शायद ट्रैफिक में पीछे फंसा हुआ है, आएगा तो हम मिलते हैं फिर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना रोड का डाइवर्जन है तो कहीं हम लोग अलग अलग ना चले जाए, इसलिए रुके हैं हम। ठीक है, मोहाली के बाद अभी आएगा चंडीगढ़, तो लेट्स वेट फॉर सैम एंड अपडेट करते हैं आपको हम दोबारा। सो भाई लोग, अभी हम चंडीगढ़ में है, द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ चंडीगढ़, द प्लान्ड सिटी, बहुत ही खूबसूरत शहर है और अच्छी हरियाली है, चारों तरफ पेड़ लगे हैं रोड साइड पे। और हम लोग ढूंढते हुए कोई गैराज जिसमें कि हम अपने बाइक का रिपेयर कर सके, रिपेयर तो नहीं एक तरह से बैक रेस्ट लगाना है। तो वही ढूंढ रहे हम लोग, सैम पूछ रहा है ऑटो वाले से। मौसम अच्छा था, फिर से धूप निकल आया है, चंडीगढ़ के रेड लाइट्स में हम फंसते हुए जा रहे हैं। अब देखो कब तक पहुँचेंगे हम लोग, अभी एक और रेड लाइट पे पहुँच गए हम लोग, है ना। अब कुछ डायरेक्शंस लेते हुए, हाँ भाई यहीं पर है, बता। कितने पड़ेगा? यू नीड सैम भाई इज लीडिंग अज टुवर्ड्स ए ऑटोमोबाइल मार्केट वेयर वी कैन फिक्स द प्रॉब्लम फॉर आवर फ्रेंड प्रशस्त so that he can have a smooth ride as a pillion. So let's see. हरियाली देख के मजा आ गया, बहुत चारों तरफ हरियाली है, हरियाली हरियाली। और ये एनिमल अब्यूज, दिस इज नॉट राइट। अच्छा लग रहा है राइड करने पर, बहुत सारे रेड लाइट है। तो ढूंढ रहे हम अपना डेस्टिनेशन, अगर मिल जाए भाई लोग तो आपको बताएंगे कि प्रोसेस मिश्रा का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। अभी तक हम आ चुके हैं 323 किलोमीटर्स, टाइम हो रहा है 11:30, ETA हमारा शाम को 7 बजे दिखा रहा है भाई। अब देखो कितने बजे पहुंचते हैं हम, लेट्स सी। चलो हम पहुंच के वहां पे आपसे बात करते हैं, अभी तो रेड लाइट ही रेड लाइट है, हम रुकते हुए जाएंगे तो आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। अगर हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं कुछ बाइक के रिगार्डिंग कुछ काम कराने तो फिर आपसे वही मिलते हैं हम। ऐसे बड़बड़ा रहे भाई। तो गाइस फाइनली अभी हमें अभी अभी पहाड़ों के दर्शन हुए, हमने रूपनगर क्रॉस करा है, रूपनगर बाईपास पे अभी हम, और आप सामने देख पा रहे होंगे गोप्रो में आ रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट पहाड़ नज़र आने लगे हैं। मौसम अच्छा है बहुत, ना धूप ज़्यादा है ना ही गर्मी, मतलब परफेक्ट मौसम है फॉर राइडिंग ए बाइक। बस बारिश ना हो, बारिश हो गया ना भाई तो, बारिश हो गया तो सब बंटाधार हो जाना है। अभी
हम रूपनगर क्रॉस कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:30 अभी 1:31 हो रहा है और अभी तक हम आ गए हैं 372 किलोमीटर। और अपडेट ये है कि मिश्रा जी का प्रॉब्लम सॉल्व है, मिश्रा जी के लिए ब्रेक रेस्ट लग गया है बाइक पे, सो अभी वो अपना राइड एंजॉय कर रहे हैं आराम से बैठ के पीछे। ठीक है, सैम बाबू आगे जा रहे हैं हमारे और मैं आपका दोस्त भवानी चौधरी भी राइजन में दिख रहा होगा आपको पहाड़ अब दिख रहा। ये देखो उधर है लेफ्ट में पहाड़ दिख रहे शुरू हो गए। अब मौसम ने भी अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है भाई, थम जा थोड़ी देर, रुक जा, बारिश मत होइयो, बारिश मत होइयो मेरे भाई। थोड़ी देर आप खूबसूरत नज़ारों के मजे लीजिए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी है और भाई मेरे कह रहे हैं कि रुकेंगे खाने के लिए। किधर? यहाँ यार सही नहीं लग रहा मिश्रा, आ जा यार आगे आ जा, सही नहीं लग रहा। एक भी बंदा उस ढाबे पे नहीं है तो मुझे सही नहीं लगा यार, थोड़ा आगे चलते हैं, आगे कोई अगर ढाबा मिल जाए तो वहाँ पे खाना खा लेंगे। मनाली 262 किलोमीटर है। हाँ, और हम लोग मनाली नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब जब पहुँचेंगे आपको मैं बोर्ड दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अरे नहीं कितने प्यारे लग रहे हैं यार ये पेड़, क्या मेंटेन करा हुआ है मस्त। खा ले, चलो बिल्ले दा ढाबा, बिल्ले दा ढाबा कुछ याद आ गया मुझे, हैशटैग पूजा मेहता। नहीं भाई निकल गया तो बहुत बुरी बात है, सच में सच में। अरे भाई साहब ये सैम मोहंती क्या बंदा है यार, क्या बंदा है। भाई साहब बंदा रुकता ही नहीं है यार, कहाँ गया ये, पीछे तो नहीं दिख रहा। हमारे मिस्टर मोहंती थोड़े तेज निकल जाते हैं भाई। वाह क्या कलर करा हुआ है। अरे जस्ट तो मुड़ा ना भाई, देखा नहीं क्या मेरे को। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। यहाँ रुका होगा, यहाँ रुका होगा शायद, रुका है क्या, नहीं रुका है। हाँ हाँ आगे निकल गया यार वो, क्या बंदा है यार ये। कोई बात नहीं, चलो भाई भाई हमारे आगे निकल गए, हम ढूंढ रहे हैं उसको। अरे पीछे तो नहीं है, लाइट दिख रही मुझे, पीछे तो नहीं रह गया। चलो भाई थोड़ा जद्दोजहद चल रहा है, थोड़ी देर में मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से सैम हो गया है हमसे अलग, तो क्या हम मिल पाते हैं फिर से रास्ते में, देखिए पार्ट 2 में। स्टे ट्यून्ड।